हे गाइस, तो कैसे आप सब लोग। मेरा नाम है भूषण और आप मुझे देख रहे हो यूट्यूब भूषणड्रॉइड पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं एयरटेल ब्लैक प्लान्स के बारे में। मुझे पता है आप में से काफ़ी सारे लोगों इसलिए वेट कर रहे थे एंड कुछ लोग यहाँ पे वेट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये प्लान रिसेंटली लॉन्च हो चुके हैं। तो मेरा काम बनता है कि आप सभी को बताओ इन्फॉर्मेशन। तो हाँ, हम आ चुके हैं वापस आप सभी के लिए एयरटेल ब्लैक प्लान्स के बारे में इन्फॉर्मेशन देने के लिए। तो यहाँ पे मैंने प्लान्स की पूरी जानकारी निकाल के रखी हुई है, तो वो मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं एयरटेल ब्लैक प्लान्स। अभी ये बेसिकली क्यों आए, एयरटेल ब्लैक प्लान्स क्या है? तो भाई, ये इंडिया के फर्स्ट ऑल इन वन प्लान्स ऐसा इसको बताया गया है फॉर प्रीमियम होम्स। ठीक है, तो अब ये एग्जैक्टली किस तरह से काम करते हैं, कैसे करते हैं, वो सभी चीज़ों के बारे में मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो ऑल इन वन यानी कि क्या, तो यानी कि गाइस, इसके अंदर आपको फाइबर, डीटीएच, मोबाइल, ये तीनों चीज एक साथ मिलते हैं। ठीक है, फाइबर, डीटीएच एंड कौन सा था, मोबाइल, तो ये तीनों चीज़ें एक साथ। ठीक है, तो अभी आप ये कैसे ले सकते हो, इसके ऑप्शंस किस तरह से, तो इसके ऑप्शंस कुछ इस तरह से, जैसे कि डीटीएच प्लस मोबाइल, ठीक है, फिर फाइबर प्लस मोबाइल एंड जो लास्ट आता है वो है ऑल इन वन प्लान। ठीक है, तो अभी ये एग्जैक्टली क्या प्राइस पे मिलेगी आपको, क्या क्या डेटा मिलेगा, उसके बारे में बात करते हैं क्योंकि वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए, तो सबसे पहले तो इसके जो प्लान्स होते हैं वो 998 से लेकर के 2099 तक जाते हैं। ठीक है, तो बेसिकली बात करते हैं 998 वाले प्लान की। तो इसके अंदर गाइस आपको मिलते हैं दो मोबाइल के कनेक्शंस प्लस एक डीटीएच का। ठीक है, बाद में आता है सेकंड प्लान जो कि होता है 1349 का, जिसके अंदर आपको मिलते हैं तीन मोबाइल के कनेक्शन प्लस एक डीटीएच का। ठीक है, और इसके अंदर आपको जो डेटा मिलता है ना मोबाइल के साथ, वो लगभग 210 GB के आसपास आपको मिल जाता है एंड ये रोल ओवर होता रहता है, तो इसका टेंशन नहीं है। पहले महीने में खत्म हो गया तो दूसरे महीने में क्या होगा, नहीं भाई, अगर आपने पहले महीने में बस 100 ही यूज़ किया है तो जो ऊपर का बचा हुआ डेटा है वो आपको अगले महीने में यूज़ कर सकते हो, तो अच्छी बात है, बढ़िया बात है। ठीक है, अगला प्लान जो है वो फाइबर प्लस मोबाइल वाला है। ठीक है, तो फाइबर और मोबाइल में क्या है, 1598 इसकी कॉस्टिंग है। ठीक है, इसके अंदर आपको मिलते हैं दो मोबाइल के कनेक्शन, एक फाइबर। अभी आप पूछोगे कि इसके अंदर डेटा कितना मिलता है एंड स्पीड कितना मिलता है, ठीक है ना, तो बता देता हूँ, जो मोबाइल में है वो आपको लगभग 105 GB के आसपास मिल जाता है डेटा यहाँ पे, एंड जो फाइबर कनेक्शन है उसके अंदर आपको स्पीड मिलती है 200 MBPS की, जो मतलब जो डेटा कैप है उसका वो 3333 4x3 GB, मतलब शॉर्ट में अगर बताना चाहो तो 3.3 TB का उसका डेटा कैप है, 200 MBPS का स्पीड है, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। ठीक है, और जो अगला फाइनल प्लान मतलब ऑल इन वन प्लान, ठीक है, तो उसमें आपको तीन मोबाइल के कनेक्शन मिल जाते हैं, एक फाइबर का कनेक्शन मिलता है और एक डीटीएच मिल जाता है। तो इसके अंदर भी स्पीड आपको लगभग फाइबर की जो स्पीड है वो लगभग 200 MBPS की स्पीड मिल जाती है यहाँ पे, जो तीन मोबाइल के कनेक्शन होते हैं उसके लिए आपको जो डेटा मिल जाता है वो लगभग 260 GB का डेटा आपको यहाँ पे देखने मिल जाता है। ठीक है, तो अभी इसके लिए आप पूछोगे कि इसके लिए हमें अप फ्रंट क्या कॉस्ट देनी पड़ेगी, ठीक है ना, तो चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि अगर आप इन प्लान्स में से किसी में भी अगर आप एयरटेल एक्सट्रीम का बॉक्स लेने की सोच रहे हो तो आपको सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ेगा जो कि अराउंड 1500 होगा यहाँ पे। ठीक है, वो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर आप एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स ले रहे हो तो देना पड़ेगा। ठीक है, अभी एयरटेल ब्लैक प्लान्स की इंस्टॉलेशन के कॉस्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इंस्टॉलेशन कॉस्ट एज सच कुछ नहीं है इसमें, वाईफाई राउटर्स वगैरह जो भी मिलेगा उसके लिए भी आपको कुछ ज़्यादा मतलब नहीं करना पड़ेगा, पे करना ही नहीं है उसके लिए भी, इंस्टॉलेशन के लिए भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा एंड फिर ले जाता है अपना सिक्योरिटी डिपॉजिट, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट में उसके अंदर आपको नहीं लगेगा। ठीक है, सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको तब लगेगा जब आप एयरटेल का एक्सट्रीम बॉक्स अगर लेना चाहते हो तो, वरना तो आपको नहीं लगेगा। तो अभी मैंने आपको सब प्लान्स के बारे में बता दिया है, ऑल इन वन प्लान के बारे में बता दिया है, फाइबर, मोबाइल एंड अपना जो डीटीएच होता है, इन सभी के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अगर वीडियो अभी तक देखा है ना तो वीडियो को जरूर से एक लाइक तो बनता है यार, प्लीज़ एक लाइक तो बनता है, ऑब्वियसली बात है क्योंकि हमें भी रिसर्च करना पड़ता है तब जा करके हम आपके लिए वीडियोस बनाते हैं। तो अगर वीडियो को मतलब पसंद आते ही तो लाइक कर सकते हो, अच्छा मोटिवेशन मिलेगा हमें भी एंड आपके लिए ऐसे अलग अलग नए नए वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आएंगे। अगर वीडियो अभी तक देखा है तो जरूर से लाइक करना एंड इंस्टाग्राम पर अगर फॉलो नहीं किया तो फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पर भी एंड जो टेलीग्राम का तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, तो ठीक है ये सब कर लो एंड अगर कुछ डाउट होगा तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, मैं आप सभी को मिलता हूँ अगली वीडियो में, वीडियो देखने के लिए आप सभी का शुक्रिया गाइस, बाय बाय।